नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सोलन प्रवास कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए पार्टी पदाधिकारियों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। नौड़ी ग्राउंड में 10 अक्टूबर को होने वाले शिमला संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में नड्डा शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी के कारण इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। इन व्यवस्थाओं को देखने के लिए 13 समितियां बनाई गई हैं। इस सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय नगर निकायों को चुने हुए प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। भाजपा ने इसे पंच परमेश्वर सम्मेलन का नाम दिया है। सम्मेलन के लिए बनाई गई समितियों के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल होंगे, जबकि पार्टी के शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया इस समितियों के भी प्रभारी रहेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी शिशु धर्मा समन्वयक होंगे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य व मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर, संजीव मोहन, शकुंतला शर्मा, लक्ष्मी ठाकुर, सुरेश शर्मा, भरत सहानी, मुकेश गुप्ता, नरेंद्र ठाकुर, तरसेम भारती, तीर्थानंद भारद्वाज, एसएस परमार, नरेंद्र ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है। मंडल अध्यक्ष मदन कुमार ने कहा कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के लिए समितियां बना दी गई हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया लगातार पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।